कहते हैं बारिश भगवान का दिया गया एक बेहतरीन उपहार है जिसकी ज़रूरत सारा जहाँ को है। वैसे ही ट्रैवलिंग करना ज़रूरत है मन की और दिल की खुशी के लिए। हेलो एवरीवन, सबको सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते और जय जगन्नाथ एंड सभी को हैप्पी रजो। तो रजो उड़ीसा का एक अहम फेस्टिवल है। तो आज पहली रजो है तो मैं गया था घूमने और रास्ते में मिल गए मुझे कुछ नए यूट्यूबर्स। कहाँ से आ रहे हो भाई? बालेश्वर। अच्छा, मैं बालेश्वर के रहने वाले हो। साइकिल से पूरी सिर्फ पूरी जा रहे हो और कहीं सिर्फ पूरी जा रहे हो और कहीं कौन है? अच्छा, साइकिल से। चलो बढ़िया है, दोनों बालेश्वर से हो। चलो बढ़िया। अभी तो मैं नयागढ़ ट्रिप कर रहा हूँ, वो जो फतेहगढ़ राम मंदिर है ना, हाँ वहाँ तक ट्रिप कर रहा हूँ। इंजॉय करो। चलो भाई, हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। आपके चैनल का नाम क्या है? मेरा चैनल सॉफ्ट हार्ट ब्लॉग। ठीक है, कहाँ से हो? मैं तो अभी जाजपुर से हूँ। जाजपुर से? हाँ भाई, हमारा जाजपुर भाई। ठीक है, हैप्पी जर्नी। आज का यूथ कितना अच्छा है, बाइसाइकिल पकड़ो और निकल जाओ घूमने। वाकई इन दोनों दोस्तों हो या भाई हो, इन दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। समय करीब 6:30 हो गए थे, मैं पहुंच गया था कटक लिंक रोड में। नयागढ़ जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते थे, या तो भुवनेश्वर खुर्दा होकर चले जाऊं या तो कटक बांकी रोड में। मैं चूज किया कटक बांकी रोड क्योंकि यहाँ पे बहुत तेरीन सीनरी देखने को मिलता है, ग्रीन सीनरी। तो मेरा सफ़र शुरू हो गया यहीं से। इस लोकेशन से राइट लेते हैं तो आपको मिलेगा पिकअप वैली, लेकिन मुझे जाना था नयागढ़ तो मैंने लेफ्ट ले लिया। सुंदर सा व्यू देखते देखते मैं गाड़ी चला रहा था और कुछ टाइम बाद मैंने रेस्ट लिया था और मुझे कुछ अजीब सा साउंड सुनाई दिया। अरे यहाँ पे भी मोर है भाई, आपको आवाज़ आ रहा होगा शायद। आवाज़ तो मोर का ही था लेकिन इतने जंगल के अंदर वो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो छोड़िए, चलिए फिर से हमारा सफ़र और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरे घर से करीब 140 किलोमीटर दूरी पर था फतेहगढ़ राम मंदिर नयागढ़। तो मैं इस वीडियो में जो भी सारे व्यूज़ दिखाता हूँ, जो भी सारे नेचर्स दिखाता हूँ, यहाँ से आपको कौन सा व्यू बेहतरीन लगा, बहुत अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। मजा फतेहगढ़ राम मंदिर तो यही पड़े, तो राम मंदिर फतेहगढ़ हैं उठाणी दे पड़े, तापर गडानी टर्निंग मोडियो बा हां, टर्निंग रे सीधा सीधा दिबो हैं, तापर आगु पास कलापथर, माने एठो कलापथर हो 13 किलोमीटर 13-21 किलोमीटर एटा आ रहला फतेहगढ़। हां थैंक यू। कलापत्थर इस चौक से अगर आप राइट लेते हैं तो सीधा जाएंगे कंटिलो नीलमाधव पर। मंदिरों का रास्ता, ठीक है, राम मंदिर के लिए रास्ता है, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, यहीं से चलते हैं और शायद यहीं से ऑफरोडिंग शुरू भी हो गया होगा।
समय करीब 9:30 था, मैं पहुंच गया था श्री राम मंदिर में। पहाड़ के ऊपर चढ़ना था और आधे चढ़ाई करके मैंने अपना जैकेट उतर लिया क्योंकि बहुत ज़ोर गर्मी था और थोड़ा सा प्यास लगा रहा था, तो मैं पानी पी लिया और फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ा। यहाँ पे कार्स और बाइक रखने के लिए जगह है, पार्किंग प्लेस है और पार्किंग चार्जेस ये लेते हैं 10 रुपया, बट इसके थोड़े से ऊपर में मंदिर है, तो चलिए मंदिर घूमते हैं गाड़ी को पार्किंग में लगाकर। इस मंदिर में करीब 3 से 4 ब्राह्मण रहते हैं। एक ब्राह्मण जिसे मैंने पूछा इस मंदिर के बारे में, तो उन्होंने बताया कि जब अयोध्या में राम मंदिर का स्थापित किया गया था उसी समय ही ये मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया था। श्री वेणुधर प्रधान नाम के व्यक्ति ने इस मंदिर को स्थापना करे थे। मंदिर के दाहिने तरफ गणपति जी का मंदिर और उनके ठीक सामने परशुराम जी का मंदिर है और मंदिर के बाएं तरफ चंद्रशेखर प्रभु जो शिव जी का एक रूप है अंश है उनका और उनके सामने हनुमान जी का मंदिर है। इस मुख्य मंदिर का ऊंचाई करीब 65 फीट रखा गया है और इसका जो मुख्य द्वार है या गर्भगृह है इसका हाइट 56 फीट रखा गया है और यहाँ पे सब मंदिर का सब जो भी इस्तेमाल किया गया है सब पत्थर से ही बनाया गया है। मुख्य मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो मैंने फ़ोटो ज़्यादा नहीं खींच पाया और एक ही फ़ोटो उनके ब्राह्मण के परमिशन से खींचा लेकिन वो सही नहीं आया। मंदिर घूमने के बाद मैं बाहर आकर इसका चारों तरफ घूमा। इसका बेहतरीन हिस्सा ये है कि पहाड़ के ऊपर से नीचे का व्यू इतना सुंदर लगता है भाई, जैसे लगता है भाई सचमुच किष्किंधा में हूँ। ठीक है, आप ये व्यू देख सकते हैं मेरे पीछे वाला व्यू। पूरा मंदिर घूमने के बाद मैं निकल पड़ा घर की तरफ, तो सुबह से कुछ नहीं खाया था इसलिए वहाँ पे दही वड़ा खा लिया। टेस्ट उतना सही नहीं था लेकिन मेरे पास चेंज नहीं था गाड़ी का पार्किंग पैसा देने के लिए, तो दही वड़ा वहाँ पे खा लिया और फिर निकल गया पहाड़ के नीचे की तरफ। जय श्री राम। जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था एक बंदा ऐसा गाड़ी ऊपर की तरफ ला रहा था, एक्सीडेंट होना पक्का था। वो व्यूज अब जरूर देखिए है और डिस्क वाला है, तो गियर के ऊपर तो मैं नहीं डाल के चला रहा हूँ। ये गलत तरीका था, देखा एकदम गाड़ी उठाने का गलत तरीका यही था। लेफ्ट साइड से आपको काटना है तो एक्सीडेंट होना ही होना है अगर अपोजिट के साइड को आ रहा है। तो वहाँ से सीधा नॉन स्टॉप राइड करके मैं आकर पहुँच गया देवी द्वारा में, जहाँ पे पहाड़ और नदी एकदम साथ में ही है। ठीक है, और यहाँ पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सुंदर सा व्यू है यहाँ पे। देवी द्वारा में कुछ समय घूमने के बाद थोड़ा प्यास लगा और वीक फील हो रहा था, तो मेरे पास एक ORS था तो मैंने एक ORS पी लिया, फिर उसको डस्टबिन में डाल के निकल गया घर की तरफ।
और देवी द्वारा में एक बढ़िया बात यह है कि यह एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। अगर फैमिली के साथ आप आकर यहाँ पे फीस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे हर मतलब सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध है। अब करीब टाइम 2 बज गए हैं तो मैं अभी जगतपुर में हूँ। फील भरवा के मैं निकल गया रिलायंस मार्ट की तरफ और वहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग करके फिर निकला घर को। साउथ रोड नहीं जी, कैंडी लीची रे अच्छी मैंगो, और ये दोनों खरीद लिए हैं। अब निकलते हैं, काजू खरीदना है, काजू मिलता है देखते हैं। काजू ढूंढ रहा हूँ, काजू नहीं मिल रहा। बिस्कुट ले लेते हैं, घर में बिस्कुट भी है नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।